मायावती ने सपा और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि दयाशंकर की गिरफ्तारी के लिए अखिलेश सरकार को दिया गया वक्त खत्म हो गया है, अब दोनों पार्टियों की मिलीभगत के खिलाफ का पर्दाफाश कार्यक्रम किया जाएगा। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर दयाशंकर की मां, पत्नी और बेटी के बारे में आपत्तिजनक बयान देने के मामले में अपनी पार्टी के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी का बचाव किया। उन्होंने कहा कि नसीमुद्दीन ने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि उसके नारों का गलत मतलब निकाला गया। मायावती ने अपनी पार्टी के लोगों से कहा कि जब सपा सरकार में उन्हें न्याय नहीं मिला तो गरीब और दलितों को कैसे न्याय मिलेगा। अगर सीएम ने अपनी बुआ के सम्मान की रक्षा नहीं की तो हमारी सरकार बनते ही इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराई जाएगी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर कल लोगों के सवालों का लाइव जवाब देंगे। राष्ट्रपति भवन से जारी विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रपति के तौर पर 4 साल पूरा करने की पूर्व संध्या पर मुखर्जी फेसबुक लाइव पर लोगों के सवालों के जवाब देंगे। प्रश्नोत्तर का ये कार्यक्रम शाम 7:30 बजे से रात 8:30 बजे तक चलेगा, जिसका विषय होगा पीछे छोड़ते मील के पत्थर। राष्ट्रपति के पद पर प्रणब मुखर्जी के 4 साल। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति के प्रेस सचिव वेणु राजामणि भी हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति भवन के फेसबुक पेज पर लोग अपने सवाल भेज सकते हैं। किसानों से खरीदे गए करीब 9.5 लाख टन प्याज को बेचना शुरू करते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने उम्मीद जताई कि इसमें से 90% खेप अगले 2 हफ्ते में बिक जाएगी। प्रदेश के मुख्य सचिव एंटोनी डीसा ने कहा, हमने सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर किसानों से खरीदे गए प्याज की 4 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बिक्री शुरू कर दी है। हमें उम्मीद है कि इसमें से 90% प्याज अगले 2 हफ्ते में बिक जाएगी। प्याज की कीमतें थोक बाजार में लुढ़कने के बाद किसानों को घाटे से बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने 4 जून से 30 जून के बीच किसानों से 6 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर 1,04,000 टन प्याज की खरीद की थी। ये खरीद मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ के जरिए कराई गई थी और इस प्याज की बिक्री का जिम्मा भी इसी एजेंसी को दिया गया है। ट्विंकल खन्ना ने वरिष्ठ अभिनेता नसीरुद्दीन शाह पर उनकी टिप्पणी के लिए पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था 70 के दशक में हिंदी फिल्म उद्योग में मध्यम स्तर लाने के लिए उनके पिता दिवंगत एक्टर राजेश खन्ना जिम्मेदार है। राजेश खन्ना की बड़ी बेटी ट्विंकल, उनकी माँ डिम्पल कपाड़िया ने ट्वीट किया, महोदय अगर आप जीवंत लोगों का सम्मान नहीं कर सकते तो मृतक का कीजिए। मध्यम स्तर एक ऐसे व्यक्ति पर हमला है जो प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। नसीरुद्दीन शाह ने एक साक्षात्कार में कहा था कि 70 का दशक वो वक्त था जब हिंदी फिल्मों में मध्यम स्तर आया और तभी राजेश इस उद्योग में आए जो उनके मुताबिक एक कमजोर अभिनेता थे। वहीं ट्विंकल के दोस्त और फिल्म मेकर करण जौहर उनसे सहमत जताते हुए कहा कि उनकी टिप्पणी अच्छी नहीं है। प्रशासन ने कश्मीर घाटी में कानून और व्यवस्था में मामूली सुधार के मद्देनजर रविवार को घाटी के 4 जिलों में लगा कर्फ्यू हटा दिया है। पुलिस ने पुष्टि करते हुए कहा कि गांदरबल, बडगाम, बांदीपोरा और बारामूला जिलों से कर्फ्यू हटाया गया है। राज्य सरकार इन 4 जिलों में स्कूलों को खोलने के आदेश पहले ही दे चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि श्रीनगर के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू और प्रतिबंध अभी भी लगा हुआ है। श्रीनगर के कुछ हिस्सों में निजी वाहन सड़कों पर दिखाई दिए। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने श्रीनगर में नेहरू गेस्ट हाउस में कई प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि इन प्रतिनिधियों में लोक समाज, मौलवी, सिख, पंडित समुदाय के सदस्य भी शामिल है। वे सीएम महबूबा मुफ्ती से मुलाकात करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि वे दिल्ली रवाना होने से पहले कानून और व्यवस्था पर चर्चा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बिहार में सीवान के बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे को हाजीपुर जीआरपी ने छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इनकी गिरफ्तारी उस समय हुई जब वे अप पूर्वांचल एक्सप्रेस की AC2 बोगी A1 में सफर कर रहे थे। उनके बगल के बर्थ पर अपने पिता के साथ सफर कर रही 12 साल की एक लड़की ने एमएलसी पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। इस मामले में एमएलसी पर FIR दर्ज कराई गई। बीजेपी ने फौरन कार्रवाई करते हुए एमएलसी टुन्ना पांडे को पार्टी से निलंबित कर कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। पांडे ने खुद को निर्दोष बताया है। उन्होंने कहा कि वो अपना चार्जर निकाल रहे थे तभी लड़की ने शोर मचा दिया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही ट्रेन में एस्कॉर्ट कर रही जीआरपी ने हाजीपुर जीआरपी थाना अध्यक्ष संजय सिंह को सूचना दी, जिसके बाद ट्रेन के हाजीपुर में रुकते ही एमएलसी को बोगी से उतार कर जीआरपी थाने लाया गया। हालांकि एमएलसी ने छेड़खानी से इनकार किया है। महिलाओं के साथ बदसलूकी के आरोप में दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को गिरफ्तार कर लिया। आप विधायक के खिलाफ 3 अलग अलग शिकायतें दर्ज कराई गई।
उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 509 और 506 के तहत गिरफ्तार किया गया है। दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल ने ऊना हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने ट्वीट में ऊना में दलितों की पिटाई और हिंसा के लिए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया है। केजरीवाल ने लिखा, दलित हमलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार चुप्पी से साबित होता है कि ये हमले बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के सक्रिय सहयोग से हो रहे हैं। इससे पहले दिल्ली के सीएम ने राजकोट जाकर अस्पताल में पीड़ितों से मुलाकात की थी। इस दौरान केजरीवाल ने गुजरात सरकार को दलित विरोधी करार दिया। उन्होंने गुजरात सरकार पर दलितों का दमन करने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश में बीएसपी और बीजेपी के बीच चल रही लड़ाई में बीजेपी के एक सांसद का बड़ा बयान सामने आया है। बलिया में सलेमपुर से बीजेपी के सांसद रविंद्र कुशवाहा ने कहा कि अगर मायावती ने नसमुद्दीन सिद्दीकी को पार्टी से नहीं निकाला तो वो बीजेपी आलाकमान से दयाशंकर सिंह की पार्टी में वापसी की मांग करेंगे। बलिया में बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा ने कहा कि दयाशंकर के बयान के बाद बीजेपी ने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए पार्टी के सभी पदों से हटाते हुए 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। लेकिन दयाशंकर के परिवार के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले बीएसपी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ मायावती ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने कहा कि अगर माया नसीमुद्दीन की टिप्पणी को गलत नहीं मानती तो दयाशंकर ने भी मायावती के खिलाफ कोई अभद्र टिप्पणी नहीं की है। रियो ओलंपिक से पहले भारत को झटका लगा है। ओलंपिक के लिए भारत से रेसलिंग में इकलौता कोटा हासिल करने वाले नरसिंह यादव डोप टेस्ट में फेल हो गए हैं। उनके 2 सैंपल फेल पाए गए हैं। यादव को सुशील कुमार की जगह चुना गया था। उन्होंने 74 किलोग्राम वेट में सुशील कुमार को बाउट के लिए चैलेंज भी किया था। वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीतकर किया था क्वालिफाई। डोप टेस्ट में फेल होने के बारे में अभी आईओए, साई और डब्ल्यूएफआईए समेत खुद नरसिंह ने भी कोई बयान नहीं दिया है। डोप टेस्ट में फ्लॉप होने पर अब उनकी रियो डी जेनेरियो जाने की उम्मीद खत्म हो गई है। 18 साल के नीरज चोपड़ा ने भारत को पहली बार वर्ल्ड एथलेटिक्स में गोल्ड दिलाया है। पानीपत के रहने वाले नीरज ने अंडर 20 चैंपियनशिप में जेवलियन थ्रो का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। नीरज ने पोलैंड के बेडगोज में हुए मुकाबले में 86.48 मीटर तक भाला फेंका। पहले ये रिकॉर्ड लातविया के जिगी मुंडा क्रियमस के नाम था, जिन्होंने 84.69 मीटर भाला फेंका था। वर्ल्ड लेवल की एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत को गोल्ड दिलाने वाले नीरज पहले एथलीट बन गए हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद नीरज ने कहा, मैंने जैसे ही दूसरा थ्रो अपने हाथ से छोड़ा मुझे महसूस हुआ कि ये स्पेशल थ्रो था। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं 86 मीटर के आगे फेंक पाऊंगा। मैंने अपनी फिटनेस और टेक्निक पर काफ़ी मेहनत की थी, मुझे इसका रिजल्ट भी मिला। मैं बहुत खुश हूँ और मैं सोच रहा था कि 82-83 तक मैं थ्रो करूँगा और ये सरप्राइज़ है मेरे लिए। और पूरी पीछे जितने भी कंट्रीज़ की टीम थी पूरा चीयर किया और इंडियंस ने भी मेरे को पूरा चीयर किया, तो उसकी वजह से थोड़ा मेरे को हौसला आया और मैंने थ्रो अच्छा किया। कांग्रेस के पूर्व सांसद महाबल मिश्रा और उनके समर्थकों ने विकासपुरी और मीराबाग के बीच बने एलिवेटेड कॉरिडोर को शनिवार को जबरन खोल दिया, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसका आज औपचारिक उद्घाटन करने वाले थे। एक बयान जारी कर पश्चिम दिल्ली से पूर्व सांसद ने दावा किया कि उन्होंने पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर विकासपुरी से मीराबाग तक के 3.4 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन कर दिया है, क्योंकि निर्माण के लिए धन कांग्रेस ने आवंटित किया था। वहीं पीडब्ल्यूडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विभाग ने जबरन फ्लाईओवर का उद्घाटन करने को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई है।